हाय गाइस, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस ट्रेड टेक। गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, आप किसी भी लाइव स्ट्रीम रेडियो वेबसाइट से किसी पर्टिकुलर रेडियो चैनल का लाइव स्ट्रीम यूआरएल कैसे फेच कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, ये ट्रिक आपके काफी काम आ सकती है अगर आप एक कस्टमाइज रेडियो चैनल्स की वेबसाइट बना रहे हैं, ऐप बना रहे हैं, या फिर किसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं जिसमें आप अलग अलग रीजन के रेडियो चैनल को इंक्लूड करके कोई वेबसाइट या फिर ऐप बना रहे हैं। ठीक है, तो ये ट्रिक आपके काफी काम आ सकती है। तो इसके लिए आप कैसे फेच करेंगे लाइव स्ट्रीम यूआरएल को, वो मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम चलते हैं गूगल पर, और गूगल पर सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे सपोज आप किसी भी रीजन से हो, वर्ल्ड के किसी भी रीजन से हो, इंडिया से हो, म्यांमार से हो, श्रीलंका से हो, पाकिस्तान से हो, मलेशिया से हो, स्विट्जरलैंड से हो, कहीं से भी हो, आपको जिस भी रीजन का आपको रेडियो चैनल आपको चाहिए, आपको वो सर्च करना है। ठीक है, आपको ऑनलाइन गूगल पर सर्च करना है और उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाना है। जैसे सपोज मैं रेडियो चैनल्स, ठीक है, इंडियन रेडियो चैनल्स में यहाँ पे सर्च करता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे काफी सारी वेबसाइट आएगी गूगल की। ठीक है, यहाँ पे जस्ट आप स्टेप्स ध्यान रखिए मैं आपसे क्या कह रहा हूँ। यहाँ पे आपके सामने काफी सारी वेबसाइट्स आएंगी, कुछ वेबसाइट्स उनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स है, जैसे रेडियो मिर्ची की ऑफिशियल वेबसाइट है, AIR FM गोल्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। लेकिन कुछ वेबसाइट ऐसी भी हैं इसी कॉन्सेप्ट पे काम करती है, स्ट्रीम यूआरएल की हेल्प से अपनी एक वेबसाइट यहाँ पे डेवलप की हुई है। तो आप किसी भी वेबसाइट पे जा सकते हैं, आपको जो चैनल आपको चाहिए, आप चाहे किसी ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं या फिर किसी अनऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं जहां पर आपका रेडियो प्ले हो रहा है पर्टिकुलर वेबसाइट पे। जैसे सपोज मैं इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर ही चला गया, लिसन टू FM रेडियो इंडिया ऑल स्टेशंस। ठीक है, आप अपनी कंट्री अपने रीजन के हिसाब से वो पर्टिकुलर वेबसाइट सर्च कर सकते हैं। तो मैंने सपोज ये वेबसाइट, फॉर एग्जांपल मैंने ये वेबसाइट ओपन करी है। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं कि आप इसी वेबसाइट को ओपन करें, आप कोई भी वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर काफी सारे रेडियो चैनल्स मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है, काफी सारे रेडियो चैनल होते हैं, कुछ चैनल ऐसे होते हैं जिन पे मैच की आपको कमेंट्री सुनाई देती है। ठीक है, कुछ चैनल ऐसे होते हैं जिन पे आपको 24 आवर्स न्यूज सुनाई देती है, कुछ चैनल ऐसे होते हैं आपको गाने सुनाई देते हैं, कुछ चैनल ऐसे होते हैं आपको रेट्रो सॉन्ग सुनाई देते हैं। तो आप अपना मनपसंद चैनल यहां से चूज करेंगे, और यहां पर तो आप देख सकते हैं स्टेट वाइज आपके पास कैटेगरी भी आ रही है कि आप स्टेट वाइज अपना चैनल आप ढूंढ सकते हैं। ठीक है, या फिर आपके कुछ फेवरेट चैनल हो, सपोज मेरा तो ये रेडियो फेवरेट है, तो आप उस पर्टिकुलर चैनल को आप फाइंड आउट कर सकते हैं गूगल की हेल्प से। देन सपोज मैं यहां पे रेडियो मिर्ची प्रेफर करता हूं, सपोज मुझे रेडियो मिर्ची के गाने पसंद है, और यहां पर मैंने रेडियो मिर्ची पे क्लिक किया, तो आप देख सकते हैं यहां पे प्ले का बटन आ रहा है, और जैसे ही मैं इस प्ले के बटन पे क्लिक करूंगा तो एक और छोटी विंडो ओपन हो गई है। ये जरूरी नहीं कि हर वेबसाइट में एक छोटी विंडो ओपन हो एक पर्टिकुलर चैनल को ओपन करने के लिए, लेकिन इस वेबसाइट में ओपन हो गई है। तो आपको उसी विंडो पे रहना है जिसमें आपका म्यूजिक यहाँ पे, यानी कि रेडियो चैनल यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, तो ये रेडियो चैनल आप देख सकते हैं इस छोटी वाली विंडो पर यहाँ पे चलना स्टार्ट हो गया। आपको छोटी, आपको धीरे धीरे साउंड यहाँ पे आ रहा होगा, मैं ज्यादा तेज नहीं कर सकता हूँ कॉपीराइट रीजंस की वजह से। ठीक है, तो आप सुन सकते हैं यहाँ पे सॉन्ग का एक साउंड यहाँ पे बैकग्राउंड में आ रहा है। आपको क्या करना है, जिस विंडो पे, जिस वेब ब्राउजर की जिस विंडो पे सॉन्ग प्ले हो रहा है, आपका जो रेडियो है वो प्ले हो रहा है, उस विंडो पे राइट क्लिक करना है, देन इंस्पेक्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, इंस्पेक्ट पे क्लिक करने पर आपके पास एक विंडो ओपन होगी। ठीक है, यहाँ पे एक अलग छोटी विंडो ओपन हुई थी, इसलिए इंस्पेक्ट की एक अलग ही विंडो ओपन हो गई है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आपके सेम विंडो में अगर रेडियो चल रहा हो तो सेम विंडो में ही इंस्पेक्ट की विंडो ओपन हो। ठीक है, तो आपको उन चीजों से मतलब नहीं है, आपने इस छोटी वाली विंडो पे यहाँ पे क्लिक किया फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि इस पे रेडियो चल रहा है, और राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट किया, तो यहाँ पे एक नई विंडो ओपन हो गई है डेवलपर टूल्स की। यहाँ पर आपको क्या करना है, आप देखेंगे यहाँ पे जैसे डेवलपर टूल्स यहाँ पे ओपन होगा, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ इस विंडो को। ठीक है, आप देख सकते हैं पीछे लगातार गाना बज रहा है क्योंकि यहाँ पर प्ले ऑन है, क्योंकि प्ले यहाँ पे ऑन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नेटवर्क टैब में जाना है। ठीक है, आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट की विंडो में नेटवर्क टैब में जाना है, और नेटवर्क टैब में जैसे आप जाएंगे तो नेटवर्क टैब का क्या काम होता है, पर्टिकुलर वेब पेज जिस पे आप इंस्पेक्ट एलिमेंट यूज कर रहे हैं वो किस किस नेटवर्क से कनेक्ट है वो सभी जानकारी आपको देता है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे तो ब्लैंक आ रहा है, कोई जानकारी आपको नहीं दे रहा है। वो इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि अभी आपका पेज रिफ्रेश नहीं है। आप देख सकते हैं परफॉर्म अ रिक्वेस्ट और हिट कंट्रोल प्लस आर टू रिकॉर्ड द रीलोड। ठीक है, तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप अपने कीबोर्ड से F5 दबा सकते हैं। तो जैसे आप F5 दबाएंगे तो आपका जो वेब पेज है वो रीलोड होगा, और आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आपका FM जो है, जो भी रेडियो चैनल चल रहा था वो अभी स्टॉप हो गया है। हम इसको वापस से प्ले कर देते हैं जिससे कि हम ये चेक कर पाएं कि हमारा जो रेडियो स्ट्रीम है वो किस नेटवर्क से कनेक्ट हो रहा है।
ठीक है। अब यहाँ पे रेडियो स्ट्रीम यहाँ पे आप देख सकते हैं कनेक्ट हो गया, और यहाँ पे कुछ हलचल भी आप देख सकते हैं। एक ग्राफिकल इंटरफेस आपके सामने आ रहा है जो नेटवर्क से कौन कौन सा एलिमेंट पर्टिकुलर वेब पेज का वो कनेक्ट हो रहा है, ये आपको बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आपको ये ढूंढना है कि हाँ ये जो एलिमेंट है ये किस स्ट्रीम से कनेक्ट हो रहा है, हमें ये ढूंढना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर आप क्या कीजिए, इस साइज वाले टैब पर क्लिक कीजिए। साइज वाले टैब पर आपने क्लिक किया और सबसे ऊपर आप एक बार आ जाइए इस स्क्रॉल बार का यूज करके। ठीक है, तो यहां पे सबसे ऊपर क्योंकि अभी आप अगर हम लॉजिकली बात करें, ये जो एलिमेंट है ये म्यूजिक रन कर रहा है, दैट मीन की सबसे ज्यादा नेटवर्क बैंडविड्थ यहां पे यूज कर रहा है। तो यहां पर साइज के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा नेटवर्क बैंडविड्थ यहां पे आ जानी चाहिए। तो साइज मैंने जब यहां पे सॉर्ट किया तो यहां पर सबसे ऊपर अभी कुछ और आ रहा है। मैं वापस से साइज पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे यहां पर एक मिर्ची नाम का यहां पर एक टैब आ गया है, एक रो आ गई है जिसका स्टेटस 200 है। साइज लगातार इंक्रीज हो रहा है, लगातार इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन कि ये पर्टिकुलर टैब लगातार नेटवर्क को फैच कर रहा है, नेटवर्क को यूज कर रहा है, दैट मीन कि मेरा स्ट्रीम जरूर इसी में छुपा है। ठीक है, तो आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन सा बहुत रेस्पॉन्सिव टैब है जो लगातार नेटवर्क को यूज कर रहा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये लगातार आप देख सकते हैं इंक्रीज हो रहा है। देन इसका वाटरफॉल भी आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा है, यहाँ पे वाटरफॉल ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो खैर हमें इन चीजों से मतलब नहीं है, आपको क्या करना है, जस्ट आप ये एनालाइज कर लेंगे कि हाँ ठीक है इसका साइज लगातार इंक्रीज हो रहा है, वाटरफॉल आपका यहाँ पे कंटेंट डाउनलोड आप देख सकते हैं, वाटरफॉल जो है वो कंटेंट डाउनलोड का आपको बता रहा है, तो लगातार कंटेंट डाउनलोड हो रहा है, दैट मीन कि ये मेरा स्ट्रीम URL फेच कर रहा है। ठीक है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक कर दें यहाँ पे आपके पास ऊपर कुछ टैब्स आएंगे, टैब्स में आप देख सकते हैं हेडर्स पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे ऊपर आपके पास आएगा रिक्वेस्ट URL, यानी कि ये पर्टिकुलर एलिमेंट किस URL को फेच कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, ये हमें यहाँ पे मिल गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं http://peridot.streamguys.com/mirchi, तो आप इस URL को कॉपी कर लेंगे, राइट क्लिक करके मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब आप सारे टैब्स को एक बार बंद कर दीजिए, आपने स्ट्रीम URL जो है उसको कॉपी कर लिया है। मैंने स्ट्रीम URL को कॉपी कर लिया है, अब मैं डायरेक्ट उस URL को यहां पर एड्रेस बार में पेस्ट करता हूं। आप देख सकते हैं मैंने सेम URL पेस्ट करा है, और जैसे ही एंटर बटन प्रेस करूंगा तो डायरेक्ट स्ट्रीम URL यहां पे फैच होके आ गया। ठीक है, अब जस्ट जैसे ही मैं यहां पे प्ले करूंगा तो डायरेक्ट मेरा रेडियो यहां पे प्ले हो रहा है। तो ये था तरीका, आप पूरे वर्ल्ड में जो भी लाइव स्ट्रीम चैनल्स हैं, जो भी लाइव स्ट्रीम रेडियो चैनल्स हैं, उनका स्ट्रीम URL आप ऐसे फेच कर सकते हैं। आप देख सकते हैं पीछे गाना बज रहा है, ब्राउजर आपका गाना प्ले कर रहा है। अब इस स्ट्रीम URL का यूज हम अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीकों से अलग अलग एप्लीकेशन में अलग अलग सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं, रेडियो चैनल से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में, वो मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। लेकिन उन सभी वीडियोस का ये वीडियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए इसको अलग से बताना बहुत जरूरी था। तो आप इस प्रोसेस को जरूर ट्राई कीजिएगा, आप किसी भी वेबसाइट पे जाके उसका लाइव स्ट्रीम URL फैच करके चेक कीजिएगा, और इस तरीके से पर्टिकुलर चैनल आप प्ले कीजिएगा। ठीक है, देन उसके बाद आगे आने वाले जो वीडियोस हैं वो आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, जिसमें आप बैकग्राउंड में कंप्यूटर के बैकग्राउंड में भी आप रेडियो चला पाएंगे, ये सब चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो आई होप गाइस कि वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है इस तरीके के प्रोजेक्ट्स पे वर्क करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।